आज मैं गोंद के लड्डू बनाना बताऊंगी। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे देखते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर 100 ग्राम गोंद लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिसमें मखाने, सूखा नारियल, पिस्ता, अखरोट, थोड़ा सा काजू और बादाम है। 100 ग्राम मूंगफली, 100 ग्राम सोयाबीन के बीज, 4 चम्मच मगज के बीज, 4 चम्मच सफ़ेद तिल, 4 चम्मच पॉपी सीड्स यानी खसखस, ड्राई जिंजर, अदरक जब सूख जाता है तो उसे सौंठ के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी इसका पाउडर बना के रख लिया है। 12 से 15 ग्रीन कार्डमम यानी हरी इलायची, 2 कप लिया है गेहूं का आटा, वजन में यह 400 ग्राम है। और गोंद को फ्राई करने के लिए, लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गाय का घी लिया है। घी गरम हो चुका है, थोड़ा थोड़ा गोंद को डाल के फ्राई कर लेंगे। गोंद फ्राई करते समय गैस का फ्लेम हाई रहता है तो गोंद अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी हो जाता है। गोंद के फायदे के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। ज़्यादातर सर्दियों में इसका लड्डू बनाया जाता है क्योंकि तिल के तरह गोंद की तासीर गर्म होती है। गोंद खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, जॉइंट पेन नहीं होता, जैसे घुटने के दर्द में, हड्डियों के दर्द में आराम पहुंचाता है। गोंद खाने से वजन को कम किया जा सकता है। गोंद में कैल्शियम और प्रोटीन होता है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। अब यहाँ पर जो घी बचा हुआ है इसी घी में आटे को भून लेंगे। गोंद फ्राई हो चुका है, आटा बाद में भूनेंगे। सबसे पहले सोयाबीन के बीज, मूंगफली, ये सभी इंग्रेडिएंट्स को भून लेना है। सोयाबीन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। सोयाबीन खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसे खाने से दिल की बीमारी नहीं होती, मानसिक संतुलन को ठीक करके दिमाग को तेज करता है। सोयाबीन खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। सोयाबीन भून चुका है, मूंगफली और तिल को भी चटकने तक भून लेंगे। गोंद फ्राई करने के बाद जो घी बचा था उसे कटोरी में निकाल लिया है। थोड़े से घी में ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को धीमी आंच पर भून लिया है, अब यह क्रिस्पी हो चुका है। प्लेट में निकाल के आटा भून लेंगे। गेहूं के आटे को लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। आटे को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। गोंद फ्राई करने के बाद जो घी बचा था इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। आटे को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो आटा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और 500 ग्राम गुड़ डाल दिया। पानी डालने से क्या होगा, गुड़ जलेगा नहीं, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ के लिया है। जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक इसी तरह चम्मच से चलाते रहना है। यहाँ पर 4 चम्मच चीनी डाल दिया है। आप चाहो तो इसकी जगह गुड़ को थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हो। इसी के साथ इलायची भी पीस लेंगे। सोयाबीन को ग्राइंड करके भुने हुए आटे में डाल दिया। मूंगफली के साथ गोंद को ग्राइंड कर लेंगे। भुना हुआ मगज का बीज डाल दिया। खसखस को हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इसे भी डाल दिया। और बाकी ड्राई फ्रूट्स को दरदरा सा पीस लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को पीस के डाल दिया है। 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल दिया। लड्डू का टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मिल्क पाउडर। यहाँ पर जायफल लिया है, थोड़ा सा घिस के डाल देंगे, यह भी गर्म तासीर का होता है। यहाँ पर मैंने सफ़ेद मिर्च लिया है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, इसे भी कूट के डाल देंगे। यह आँखों की रोशनी को बढ़ाता है इसलिए बड़े बुजुर्ग शहद में मिला के खाते हैं। आप चाहो तो सफ़ेद मिर्च की जगह काली मिर्च भी डाल सकते हो। भुने हुए आटे में सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। लो फ्लेम पर गुड़ मेल्ट हो चुका है। इतनी चाशनी में लड्डू परफेक्ट तैयार होगा। कम या ज़्यादा मीठा नहीं होगा, पूरी चाशनी को अच्छे से
मिक्स कर लेना है। यह गुड़ अभी बहुत गर्म है, चम्मच से मिला लेंगे। लड्डू बनाते समय अगर यह मिश्रण ठंडा हो जाता है तो इसे थोड़ा सा गर्म करके परफेक्ट लड्डू बना सकते हो। दोनों हथेलियों की हेल्प से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह एक साइड दबा के रख देंगे और दूसरी साइड से गरम गरम में ही लड्डू को बना लेंगे। ठंडा होने के बाद लड्डू बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए गरम गरम में ही लड्डू को बनाया जाता है। यह लड्डू बहुत ही टेस्टी बना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये लड्डू तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ले बाय, टेक केयर।